Hi, this is Helene Sani and you're watching Google Bollywood. So, Shan Singh Rajput के सुसाइड मामले में उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की लीड एक्ट्रेस संजना संगी से मुंबई पुलिस ने मंगलवार को तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ में मुंबई पुलिस ने संजना संगी से फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत पर लगाए गए मीटू के आरोपों सहित फिल्म के दौरान उनके डिप्रेशन में जाने से जुड़े कई अहम सवाल पूछे. संजना सांगी द्वारा दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि साल 2018 में संजना को इस फिल्म में ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने चुना था. मुकेश छाबड़ा इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं. उन्होंने कहा कि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट लीड रोल में हैं और फिल्म के सेट पर ही वो सुशांत सिंह राजपूत से पहली बार मिली थी. संजना के बयान के मुताबिक उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर कोई मी टू का आरोप नहीं लगाया था और ना ही इस तरह की कोई घटना हुई थी. उन्होंने कहा कि साल 2018 में जब मी टू कैंपेन चल रहा तो उसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि सुशांत सिंह राजपूत पर शूटिंग के वक्त गलत तरीके से छूने की वजह से मैंने इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन उस वक्त मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त USA घूमने के लिए अपनी माँ के साथ गई हुई थी. संजना ने कहा कि फिल्म का एक पार्ट शूट हुआ था, शेड्यूल डेट्स के मुताबिक मेरे पास काफी वक्त था इसलिए मैं USA गई थी. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे नाम से सोशल मीडिया, अखबार और टेलीविजन पर और ब्लाइंड स्पॉट के जरिए सुशांत पर मी टू के आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब मैं USA से वापस लौटी तब मुझे इन सारी चीजों की जानकारी मिली, लिहाजा मैंने सोशल मीडिया पर सफाई दी और बताया कि ये सब झूठी कहानी है और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. मैं सुशांत और मुकेश दोनों से मिली भी. सुशांत इस वाक्य की वजह से काफी हताश भी थे. उन्होंने बताया कि मीटू कैंपेन के बहाने उन्हें कैसे बदनाम करने की साजिश रची गई थी और किस तरह से उन्हें ट्रॉल किया जा रहा था. सुशांत ने संजना से उनके बीच हुई बातचीत को सोशल मीडिया पर डालने के लिए माफी मांगते हुए कहा भी था कि उस वक्त संजना से संपर्क हो पाना संभव नहीं था और सुशांत उस वक्त इस हद तक दबाव में आ गए थे कि उन्होंने अपनी बात और झूठे आरोपों को नकारने के लिए सोशल मीडिया पर दोनों के बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट तक डाल दिए थे. संजना सांगी के मुताबिक उन्होंने इस पर बिल्कुल इतराज नहीं किया था क्योंकि आरोप फर्जी थे, अफवाह थी और ऐसे में सुशांत के पास कोई रास्ता नहीं था. मीटू कैंपेन के दौरान हुए वाक्यों को लेकर वो संदेह में थे कि कोई है जो पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम तक पहुंचा रहा है, लेकिन कौन, इसके बारे में उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया. हालांकि फिल्म की शेड्यूल शूटिंग शुरू होने पर ही उन्हें खुद को रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगा. मैं और मुकेश छाबड़ा हमेशा उनके साथ ही थे, लेकिन इस बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि सुशांत के पास फिल्में कौन कौन सी है या फिर वो डिप्रेशन में है. संजना सांगी के मुताबिक सुशांत शूट पर काफी नॉर्मल और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे. उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये कभी सुशांत ने डिस्कस ही नहीं किया था. हालांकि जब भी परिवार की बातें हुई वो अपने पटना में स्थित परिवार के सदस्यों के किस्से बता देते थे, लेकिन सुशांत के डिप्रेशन में होने की जानकारी नहीं थी. ज्यादातर हमारी बात फिल्म को लेकर ही हुई जिसमें सुशांत ने हमेशा मोटिवेट ही किया है. ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें गूगल बॉलीवुड के साथ.